तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 22 तारीख और हम फिलहाल निकलने जा रहे हैं काजा की तरफ। रोड्स क्लोज्ड है सुना है नाको के बाद। देखते हैं कि क्या होता है, क्या पता 4x4 व्हीकल्स को अलाउ करते हैं। एंड अभी बज रहे रात के 6, सुबह के 6। सारे जो गाड़ियाँ हैं वो स्पीटी के एक्सपीडिशन के लिए आए हैं। में देखोगे सारे ऑल व्हील ड्राइव 4x4। इसमें स्कॉर्पियो एंड 2 है, फिर फॉर्च्यूनर पुरानी वाली है, फिर थार नई वाली है, थार पुरानी वाली है, और अपनी सैंगयोंग ऑल व्हील ड्राइव RX7। ये है दिल्ली, फिर उसके बाद सामने पजेरो खड़ी है। तो ये सारे गाड़ियाँ जो है स्पीटी के लिए निकलेंगे। फिलहाल हमें रामपुर में, और अभी जस्ट आधे घंटे के अंदर हम यहाँ से निकल जाएंगे। एंड दैट्स इट गाइस, स्टे ट्यून्ड। सो ऑल सेट, हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम द होटल। सो हम होटल से चेकआउट कर रहे हैं अभी। कंप्लीट हो गया है, फिलहाल हम जा रहे हैं नीचे पार्किंग में। आ जाओ फटाफट, चलो चलो, अभी हम निकल। जीरो सॉरी जीरो चार और हेड वेस्ट ऑन नेशनल हाईवे 5 टू एट बस स्टैंड रोड। देखो जीपीएस बोल दिए, पता चल गया कि हम निकल गए। सो फिलहाल टेम्परेचर जो है वो 0°C है और हम रामपुर से निकल चुके हैं। रामपुर में आप देखे होगा हमने ओवरनाइट स्टे किया, और पिछले वीडियो में आप देखे होंगे हमारे शिमला से लेके रामपुर तक का सफ़र। एंड फिलहाल हम जा रहे हैं कल्पा के तरफ। ऑलमोस्ट अभी 6:30 बजने वाले हैं। एंड सुबह का जर्नी जो है वो वैसे ही मेस्मराइजिंग होते, बहुत बढ़िया होते हैं, और मैं प्रीफर करता हूँ हमेशा मॉर्निंग, ख़ास करके 4 से लेके 6-7 बजे का तक का सुबह का जो सफ़र होता है, जो रास्ते होता है, उसमें आप मतलब चेंजिंग जो रात से सुबह तक का जो जिसको हम डॉन बोलते हैं, उसका बहुत ही आनंद मिलता है ऐसे समय में ट्रैवल करने को। Enjoy the journey, beautiful journey from Rampur to Kalpa, जिसमें किन्नौर के जो माउंटेन रेंजेस है, जो डरावने रास्ते होते हैं, डरावने तो नहीं होते पर स्टोन कट जो रास्ते होते हैं वो आपको इस जर्नी में नजर आएंगे। चलिए सबके साथ आनंद लेते हैं। Set you free.
will always think of you and me. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this. इसे खास गुजारिश है कि अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छी लगी हो, हमारी कोशिश अगर लग रहा है कि हमने जेन्युइनली कोशिश करें आपको दिखाने के लिए, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बिना मत जाइएगा। शुरुआती दौर में बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स हैं, बट अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, वीडियो को शेयर करोगे। इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर आपको लगा होगा कि हमने जेन्युइनली एक अच्छा कोशिश किया है, तो काइंडली उसको सब्सक्रिप्शन में बदल दीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हमारे साथ इस सफ़र में, जैसे कि आप जानते हो, हमने पहले ही बताया हुआ है कि हम हर एक सफ़र में अपने साथ सब्सक्राइबर्स लेके जाएंगे, एंड इस सफ़र में हमें जॉइन किया है 2 सब्सक्राइबर, एक है हैदराबाद के, तेलंगाना के मिस्टर कार्थी, और दूसरे हैं मिस्टर समीर फ्रॉम देहरादून, जिनको हमने पिकअप किया है सोलन से। सो देखते रहिएगा एंड ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, एंड आपको आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं हैं। सपोर्ट द चैनल एंड सपोर्ट आवर इनिशिएटिव, एंजॉय द जर्नी। ड्राइविंग थ्रू डेज एंड नाइट्स, वोंट स्टॉप फॉर ट्रैफिक लाइट्स। ऑयल जो है खत्म नहीं हुआ, बट फिर भी एक रिफिलिंग कर लेते हैं। अभी तो आपको हिसाब हम नहीं बताने वाले हैं, बट स्पीटी का जो हमारा सीरीज है वो खत्म होने के बाद आपको जरूर एक अपडेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको शेयर करेंगे हमारा माइलेज क्या मिला, हमारा हमने कितने का तेल डाला। सो फिलहाल कंटिन्यू करते हैं, इसको हम ऑफन बुलडोजर भी बोलते हैं, हमारे सामने चल रहे हैं और वही आइकॉनिक जो आप शायद YouTube में बहुत बार देख चुके होंगे ऑलरेडी। इसी तरीके से पहाड़ों के कट के बीच में से रास्ता निकल के आता है, डरावना लगते ज़रूर है, लेकिन अगर आप फिजिकली इन रोड्स के ऊपर ड्राइव करोगे, बहुत ही खास महसूस होता है, क्योंकि ऐसे रोड जो है वो बहुत ही कम आते हैं, और किन्नौर के जो हाईवे है वही पे आपको कोई बलंसर भी बात नहीं है, रास्ते बहुत ही मस्त हैं, बहुत बढ़िया बनी हुई हैं, हम सेंसिबली ड्राइव करेंगे। इवन इफ स्काई इज फॉलिंग डाउन, मुझे नहीं पता कि कैसा लग रहा है ये नैरेटिव, कमेंट करके बताइएगा कि आगे इस तरीके से अगर कुछ चाहते हैं कि वीडियो के साथ नरेशन दें, तो हमें अच्छा लगेगा। एंड डाउन कराइएगा अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए बोल चाल, किन्नौर के जो माउंटेन में दिखता है, और एक विलेज हम क्रॉस कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे विलेज होते हैं हाईवे से कनेक्टेड, ऐसा एक विलेज दोबारा हमने क्रॉस कर दिया। Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs.
can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Even if the sky is falling down. डेवलपमेंट पता है कौन करता है? अंबानी करता है. जियो लाके पता लोग बोलते नौकरी दो नौकरी दो नौकरी दो. कौन सा नौकरी? काय का नौकरी? क्या नौकरी चाहिए तुम्हें? चला यूट्यूब में जितने लोगों को मतलब नौकरी दिया ना. सो फिर से और एक आइकॉनिक आयरन ब्रिज. बहुत ही नॉस्टैल्जिक सा फील आता है ये ऐसा ब्रिज के ऊपर हर बार जितने बार आप चढ़ते हो. और खास करके हिमाचल में ऐसा ब्रिज है. आपको लद्दाख के रास्ते में स्पीति पे रास्ते में बहुत सारे मिलने वाले हैं. एंड वाह क्या सनलाइट है. फिलहाल टेम्परेचर है आपका -2 और आप देख पा रहे हो सनलाइट बहुत ही बेहतरीन लग रहा है. मन कर रहा है कि हम गाड़ी से अभी गाड़ी को रोक ले सड़क के किनारे और फिर उतर के, क्योंकि ऐसा धूप शहरों में कहाँ मिलते हैं. बट क्योंकि टाइम का पाबंदी है तो हमें बिना रुके ये जर्नी कंटिन्यू करना पड़ेगा कल्पा की तरफ. एंड जैसा कि बता रहे पहली हॉल्ट हमारी होंगी कल्पा में. एंड कल्पा में आपको हम दिखाने वाले कल्पा के मॉनेस्ट्री. वाओ माय गॉड सूरज जो है ना हमारा बिल्कुल सर के ऊपर है और आपको हम बता नहीं पा रहे कितना मस्त धूप लग रहा है. -2 टेम्परेचर में अगर ऐसा सनलाइट आपको मिले ना तो आनंद ही आनंद है जीवन में. सूरज सकीन बता रहा था कि कल्पा में आपको हम दिखाने वाले हैं कल्पा के साइट सीइंग में. हम आपको बस कल्पा मॉनेस्ट्री और किन्नौर कैलाश का व्यू पॉइंट ही दिखा पाएंगे क्योंकि विंटर्स में बहुत ही सुना सुना रहता है और मार्केट्स वगैरह सब बंद रहेंगे तो ज़्यादा कुछ तक टाइम स्पेंड नहीं करेंगे. आधा घंटे का टाइम स्पेंड करने के बाद फिर हम कल्पा से निकल पड़ेंगे काजा के लिए. फिलहाल एंजॉय करिए खूबसूरत रास्ते और धूप के साथ खेलती हुई हमारे ये जो वेदर है बहुत ही लाजवाब लग रहा है. कभी धूप कभी छाव. सो ऐसे ही जैसे ज़िंदगी चलते है वैसे हम चलते रहे. मस्त हम बयां नहीं कर पा रहे कि कितना कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहा है हमें फिलहाल बदलते हुए मौसम और सीनरी को लेके. फिलहाल हम सफ़र कर रहे हैं बासपा के. अभी बंद रहा 8 9 बज रहा है 11:30 और यहाँ कितना दिखा रहे हैं यहाँ कितना नहीं है यहाँ तक आधा घंटा दिखा रहे हैं. ये देखो कॉम्पियो है कल्पा. रात को कल्पा. हाँ रात को कल्पा रुकेंगे. Life is a winding road. No telling where it goes.
driving through days and nights, won't stop for traffic lights. टीवी बनाता है तो गलती होता है ना, महिंद्रा ने टीवी बना गलती होता ना, तो वैसा ही सरकार पॉलिसी बनाता गलती हो सकता है। तो इलेक्शंस के बाद बाहर आएगा 2000 के नोट, नहीं आएंगे कभी भी, नहीं आएंगे भाई, अरे पागल थोड़ी ना है, कभी जिंदगी में नहीं आएंगे। नोट अभी भी है 2000 के, ऐसी बात नहीं है, चालू है, एटीएम से बंद हो गया, बंद हो गया, अब नहीं आएंगे भाई, लॉजिक ही ये था ना। 500 नोट नहीं देते वो। यू कैन से आई लॉस्ट माय माइंड, आई विल कीप ऑन होल्डिंग माय हेड हाई. Even if the sky is falling down. कुछ भी कर सकते हो आप यार, इंसान है हम। आप चाहो तो एक क्षण घंटे में ना लीबिया बना सकते हो। लोग अन्ना हजारे को सपोर्ट किया ना, फिर जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ सपोर्ट किया ना, सरकार तो आप देखो बॉर्डर में चाइना कब्जा कर लिया, सरकार क्या कर रहा है? अरे हो गया जो हो गया यार, जो बन गया वो बन गया, क्या करें? हिस्ट्री अब कुछ नहीं बदल सकती, जितना दिन हम है हम तो बचेंगे और 20-30 साल। पहले बात तो भाई यूएस के पल्ले झाड़ने चाहिए, यूएस से कुछ ही नहीं होते, यूएस को छोड़ो अपना बनाओ। मैं यूएस के साथ बोला ही नहीं, देखो बर्फ लेके आए ये पूरा आगे है, दबा गए मैगी कैसे बनेगी ठंडे ठंडे मैगी बनाते ही बन मैगी जम जाएगी चलेगी। सो यहाँ से हमें लेना है राइट, ऊपर का रास्ता ले लेना है कल्पा के लिए, एंड उम्मीद करते हैं कि कल्पा पहुँचते वस्ते हमें स्नो भी मिल जाएंगे रोड्स पे, क्योंकि आसपास के लोकल्स बोल रहे थे कि कल स्नोफॉल हुए है यहाँ पे, तो देखते हैं। You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if so, जिसका उम्मीद था वही हुआ, आप देख पा रहे हो रोड के दोनों साइड में हल्की हल्की स्नो हमें नज़र आ रहे हैं, एंड आगे जाके ये पड़ने वाले हैं, एंड क्या ही नज़ारे होंगे। चलिए फटाफट चलते हैं और देखते हैं वाइट कल्पा। बट इस सीज़न को क्या है कि क्योंकि मैं लास्ट वीक पहले मनाली होके भी आया, तो इस बार स्नोफॉल बहुत ही कम गिरे हैं, हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या फिर ज़्यादा, क्योंकि ये सारे जो है ना रॉनेस ख़त्म हो गए सारे प्लेसेस का, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शंस शुरू हो गए और फिर टूरिज्म के साथ साथ जो है रियल एस्टेट सेक्टर भी बढ़ने लगा है, तो लोगों ने घरें बनाए, कंस्ट्रक्शन किया, तो
कुछ ना कुछ नेचर का तो इम्पैक्ट हुए होंगे। सो मे बी बाई दैट रिजल्ट स्नोफॉल, क्योंकि जनवरी के महीने में कल्पा वैसे ही अभी जो आपको मतलब हरा भरा दिख रहा है वो दिखेंगे नहीं, बिल्कुल सफ़ेद होता है, बट बहुत ही ज़्यादा कम स्नो है, बट शुक्र मनाओ कि स्नो तो है। सो कंटिन्यू करते हैं हमारे ये विंटर स्पिटी के राइट, एंड आशा करते हैं कि आप भी हमारे साथ इस ये जो सफ़र है इसका आनंद ले पा रहे हो। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर कोई हमारे नरेशन में या फिर वीडियोग्राफी में कोई इम्प्रूवमेंट्स आपको चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा, आप ही के बदौलत हम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फ़िलहाल एंजॉय करते हैं आसपास के स्नो क्लैडेड माउंटेन्स, और देख ही पा रहे हो धीरे धीरे जो रास्ते के साइड में स्नो है वो काफ़ी बढ़ने लगा है, ज़्यादा दिखने लगा है। फिलहाल आज तो वेदर बहुत ही मस्त है एंड सनी है, सो एवरीथिंग इज़ गुड। रहा बात गाड़ी के चराए हम कर रहे हैं तो कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की दिक्कत नहीं मिल रहा है, बहुत सही है, अभी तक कोई परफॉर्मेंस की दिक्कत नहीं है। सो लेट्स सी हाउ द होल सीरीज अनफोल्ड्स, डू कीप सपोर्टिंग आस थ्रू आउट द सीरीज। इस जो स्पीति का सीरीज होगा वो दिल्ली से हम आपको एपिसोड बाय एपिसोड दिखाने वाले हैं। हम दिल्ली से आए थे शिमला, शिमला से हम आए शिमला में हमारा पहला एपिसोड हमने ख़त्म किया था, फिर शिमला से हम चले गए रामपुर की तरफ, और आज सुबह हम रामपुर से निकले हैं, रात को हम रामपुर में स्टे लेने के बाद रामपुर से निकले हैं कल्पा। कल्पा हमारा पहली डेस्टिनेशन होगा आज का, और लास्ट डेस्टिनेशन आज का होगा काजा। कल्पा से निकल के हम काजा में ही रुकने वाले हैं, चलिए जर्नी का आनंद लेते हैं। Even if the sky is falling down. यहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेते हमारे सामने आएंगे कल्पा, एंड दिखाते हैं आपको कल्पा के कुछ नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे। ऑल दो अभी विंटर सीज़न है और हम जनवरी में, तो जनवरी 2023 में आए हुए हैं, सेकेंड वीक ऑफ जैन। सो यहाँ पे थर्ड वीक ऑफ जैन। सो यहाँ पे है ना मतलब टूरिस्ट के नाम पे कोई नहीं है, और सारे मतलब जो आसपास के विलेज है वो भी हम क्रॉस करके हैं, तो वो लोग वो भी सारे बंद पड़े हुए हैं, एंड बट वी कैन स्टिल एन्जॉय द सीनरी। और यहाँ पे हमें बस आधा घंटे का हॉल्ट है, क्योंकि अब आगे हमें फिर काजा भी जाना है, एंड क्योंकि हम अकेले सोलो ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में, हमारे पास दूसरा कोई गाड़ी नहीं है स्नोफॉल वगैरह में हेल्प करने के लिए, ये करने के लिए, तो हमें अपना हाथ में एक्स्ट्रा टाइम लेके चलना है। सो फाइनली लगभग आपका ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का जर्नी के बाद हम पहुँचे कल्पा, एंड कल्पा में अपना गाड़ी को पार्क करके आपको हम दिखाने वाले हैं यहाँ का मॉनेस्ट्री। पूरा का पूरा गांव जो है वो सारे लॉक्ड है गाड़ी को पार्क करके, क्योंकि विंटर के समय कोई आते नहीं है, और अभी मेट वार्निंग्स भी जारी है, तो कोई भी टूरिस्ट नहीं हमारे अलावा। अब देख पा रहे हो सारे जो आपका घर होम स्टे ये सब सारे बंद पड़े हुए हैं। तो कल्पा मॉनेस्ट्री बंद है, बट हम बाहर से आपको दिखाएंगे, और साथ में किन्नौर कैलाश का व्यू दिखा के हम यहाँ से निकल जाएंगे। फिलहाल करते गाड़ी को पार्क, एंड फिर आपको दिखाते हैं कल्पा के कुछ
नज़ारे। सो अभी हम आए कल्पा मनस्ट्री, सामने का व्यू देखो। किन्नौर कैलाश, चलो चलो चलो। कल्पा मॉनेस्ट्री को आप एक्सेस कर सकते हो स्कूल के बैक साइड से। सो ये रहा स्कूल के बैक में कल्पा के मॉनेस्ट्री का गेट, यहाँ से हम अंदर जाएंगे। एंड बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है चारों तरफ हिमालयन पीक से, और यहीं पे आपको किन्नौर कैलाश का व्यू भी मिलेगा। बट फिलहाल आपको मॉनेस्ट्री शो करते हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ से। बट हमारे पास टाइम का बहुत ही कमी है, क्योंकि हमें फिर आगे काजा के लिए निकलना है और टाइम बहुत कम है हमारे पास। एंड सुनने में आ रहा है कि रास्ते में स्नोफॉल वगैरह भी हो रहा है। सो लेट्स सी। सो हियर इज किन्नौर कैलाश व्यू, ये किन्नौर कैलाश का व्यू है। फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं। एक्सीडेंट नहीं, ब्रेक नहीं करेंगे ना। कल्पा में है हम लोग, यहाँ पे अभी भी हल्दीराम में बिकानो कोई भी चीज़ कर रहे हो, रेट टू रेट मिल रहा है। एमआरपी रेट 10 रुपए में मिलता है। और यही स्टेशन पे चले जाओ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, 10 की चीज 15 की बेचते हैं। और इतनी दूर आके भी हमें रेट टू रेट चीज मिल रही है, इससे बढ़िया चीज क्या ही है। और ये अभी मैंने 3 डिग्री हो रखा है, और ये बर्फ के हाईवी ड्राइवर है हम लोगों की। नहीं बर्फ के नहीं, प्लेन के प्लेन के ड्राइवर है। बहुत ही अच्छी गाड़ी चली है, और रात में 11-12 घंटा गाड़ी समय वैसा स्कीड नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। और ये भाई साहब माउंटेन वॉक के माउंटेन व्यू के मजे ले रहे हैं। सो इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड कीप वॉचिंग द स्पीडी सीरीज।